अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक गांव की तरह छोटी मछली। एक बार अगर ये मछली आपने बना ली जाए तो इसका स्वाद आप ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। ये इतना टेस्टी बन कर के तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने आधा किलो के आसपास ये छोटी मछली ले लिए हैं और ये मिक्स मछली हमने लिया है और इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिए हैं। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के मुताबिक ऐड किया है और इसे हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मछली मिक्स हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं मसाला। इसके लिए हमने 25-30 कली लहसुन के लिए आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, एक चम्मच धनिया और 6-7 हमने लाल मिर्च लिए हैं। इसे हमें पीस लेना है। इधर आधा कप तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। तेल एकदम अच्छा गरम हो जाए तो इसमें हमें मछली डालना है और जो आँच होगा हमारा फ्लेम वो एकदम हाई होना चाहिए और मछली डालते ही बिल्कुल भी चलाना नहीं है। 3-4 मिनट बाद इसे आप पलटे और अलट पलट करके इसे आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए तो मछली टूटेंगे नहीं अगर हाई फ्लेम पर होगा तो, और तेल अच्छा गर्म होगा तो। तो ये देख लीजिए मछली हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही लाजवाब हमारा मछली फ्राई हो चुका है और बिल्कुल भी टूटा नहीं है। यही तेल में हम डाल देंगे 5 फ़ोरन, थोड़ा सा हमने लिया है। और ये जब तरक जाए तो एक प्याज को हमने बारीक काट लिया था वो प्याज इसमें डाल करके हमने प्याज को लाल करना है। पर ज़्यादा प्याज हम फ्राई नहीं करेंगे, गोल्डन लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका था तो पीसा हुआ मसाला इसमें डाल देना है। कुछ प्याला में मसाले लगे रह गए थे तो थोड़ा सा पानी डाल के धो के वो पानी हमने डाल दिया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, तो नमक हिसाब से ऐड करना है क्योंकि मछली में भी नमक डाला हुआ था। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाले हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मसाला को भूनना। तो मसाला जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे आपका मछली उतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिए हैं। पहले का कलर देखिए और अभी का कलर देखिए कितना डिफरेंट है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास के आसपास डाली हूँ और इसे मिक्स करके इसमें एक बॉयल लेकर के आना है। पानी में ग्रेवी में बॉईल आ चुका है तो इसे हमें एक बार मिक्स करके नमक चेक कर लेना है। अगर कम हो नमक तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसमें डाल देना है फ्राई किया हुआ मछली। हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स कर लेना है और इसे हमने 5-6 मिनट के लिए पका लिया है। और ये मछली बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो एक लाल बड़ा सा टमाटर हमने लिया था, अच्छा पका टमाटर लेना है। इसके ऊपर से हमें बिछा देना है टमाटर और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें टमाटर पकाना है। और यहाँ पर डालना है धनिया पत्ता। एक बार इस तरह से मछली पका करके देखिए, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। हल्के हाथों से चलाएंगे और हमने चूल्हा को बंद कर दिया था और ये साइड से मसाला हम सब साथ में कर ले रहे हैं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।